आका सिंधबाद, लगता है हम किसी गुमनाम जजीरे पर पहुंच गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ताज्जुब की बात है, इस छोटी सी झोपड़ी में कौन इंसान रहता होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ में नहीं आता आखिर क्या तिलिस्म है। आखा, इस वीरान जजीरे में हमारा ज्यादा ठहरना खतरों को दावत देने के बराबर है। लेकिन जमाल, ये गेंद हमें यहां तक लाई है, इसका कोई तो मतलब होगा। और खतरों से डरकर यूं ही यहां से जा भी तो नहीं सकते। लेकिन रात भर इस जंगल में यूं ही खड़े भी तो नहीं रह सकते। यही तो मैं सोच रहा हूं कि आप क्या करें। सिंधबाद, बुजुर्ग शाह अमरी, आप सिंधबाद, गेंद ने तुम्हारी रहनुमाई सही मकाम तक की है, तो अब मैं क्या करूं। अब तुम इस गेंद को उस झोपड़ी में फेंको। की बार निशाना न चुके। भी सताने चलाया है, इस वीराने में भी चैन से इबादत नहीं करने देता है। अपने जलाल की आग से जलाकर राख कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तो तुम थे जो बार बार हमारी इबादत में खलल डाल रहे थे। गुस्ताखी माफ हो बाबा, बहुत मजबूर होकर हमने आपको जहमत दी। तेरे चेहरे पर नेकियों का नूर ना होता तो हमारे गैज़ो गज़ब की आग तुझे और तेरे साथियों को जला चुकी होती। मैं फिर आपसे मुआफी चाहता हूं बाबा। बता ऐ नेक बंदे, तू हमसे क्या चाहता है। बाबा, आप आबिद हैं, आप जाहिद हैं, आपका करिश्मा हमने इस झोपड़ी की सूरत में देखा जो हमारे सामने छोटी से बड़ी हो गई। तू कहना क्या चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। आप तो आरिफ हो काहिन हैं, आप तो जाहिर व बातिन जानते हैं, इसलिए आप ये तो जरूर जानते होंगे कि मैं आपसे क्या मदद चाहता हूं।
तो तू शाह कराकरम की मदद के लिए निकला है। हाँ बाबा। तू शाह कराकरम की बेचारगी पर तरस खाकर मौत का ये खेल खेलने निकला है। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आखिर ये दो मासूम दिलों और जिंदगियों का सवाल था। तो फिर सोच ले, तुझे जजीराए जुलेमात जाना है, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। इस नेक मकसद के लिए मैं अपने सर पर कफन बांध कर निकला हूं, जान हथेली पर लेकर निकला हूं। सिर्फ जान हथेली पर लेकर निकलना काफी नहीं है, किसी की जान लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मगर किसी की जान लेना तो गुनाह है। किसी मासूम बेगुनाह इंसान की जान लेना गुनाह है। किसी गुनहगार या शैतान सिफत इंसान या चुड़ैल की जान लेना गुनाह का काम नहीं, सवाब का काम है। अगर ऐसी बात है तो बताइए, किस मर्दूद शैतान का सर कलम करना है? तू अगर दुश्मने इंसानियत का नाम जानना चाहता है कि वो कौन है और उसे सफाए हस्ती से कैसे मिटाया जा सकता है, तो तू अपने साथियों समेत मेरी कुटिया में आ जा। बाद तुमने जिस चुड़ैल को कत्ल करने का बीड़ा उठाया है, उसका नाम उम्मे खबीस है। यहां से कुछ दूर आबशारे कज़ा पर उसका डेरा है और वो अक्सर मेरी इबादत में खलल डालती रहती है, इसलिए मैंने जलाल में आकर उसे खत्म करना चाहा। मगर गैबी कुवतों ने मेरे हाथ रोक दिए, इसलिए क्यों मैं खबीस को कत्ल करने का सवाब और नेकी तेरी किस्मत में लिखी हुई है। मगर ये सआदत, ये खुशनसीबी सिर्फ मेरे नाम क्यों लिखी गई है? इसलिए कि तू जो नेक काम करने जा रहा है, उस काम को पूरा करने के लिए वो तिलस्मी आईना बहुत जरूरी है जो उम्मे खबीस के कब्जे में है, और वो उस आईने की मदद से शैतानी कामों को अंजाम देती है। तू उम्मे खबीस को जहन्नुम में पहुंचाकर उस तिलस्मी आईने को हासिल कर ले। वो तिलस्मी आईना तेरी मंजिल की तरफ कदम कदम पर तेरी रहनुमाई करेगा। बाबा हजरत, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक उम्मे खबीस को खत्म करके वो आईना हासिल करूंगा। मगर ख्याल रहे, आबशारे कज़ा का पानी मामूली नहीं है, तेजाब है। तेजाब है? तेजाब है? हाँ, आबशारे कज़ा की अगर एक बूंद भी तुम में से किसी के बदन पर गिर गई तो सारा जिस्म, यहां तक कि हड्डियां भी गलकर और मोम की तरह पिघलकर पानी की तरह बह जाएंगी। जाओ सिंदबाद, खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।
या इलाही, ये माजरा क्या है? सारे मल्लाह और खादिम तो अपने अपने कमरों में आराम के लिए गए हैं और जहाज के अरशे पर मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं। तो फिर इन पलों से कौन खेल रहा है? आसिफ, तुम कहकशा, तुम अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। आओ मेरे साथ। मारने के लिए आ रहे हो? नादानों, मेरे मुंह के निवालों, आबशारे कज़ा का कातिल पानी बहुत प्यासा है। हाँ, प्यासा पानी और भूखी ये जादूगरनी। आओ आओ, प्यासे पानी की प्यास बुझाओ और इस भूखी जादूगरनी की भूख मिटाओ। संभल के, संभल के जमाल। लगता है तेजाब वाला आबशार यही है। यकीनन यही वो आबशार है जो हड्डियों तक को गला और पिघला देता है। गिरने से बच गए। शुक्रिया कप्तान, अगर तुम हाथ ना देते तो आज मैं इस तेजाब में गिरकर फना हो चुका होता। घबराओ मत, लो पानी पियो। जमाल, पानी पीकर इधर देना। मैं खबीस का किस्सा खत्म करके अभी आता हूँ। सिंबाद, तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या बला हूँ। मैं बलाओं का मजमुआ हूँ। देख, मेरी एक
एक मामूली बला का नमूना। क्या गजब हो गया, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुशामदीद, खुशामदीद सिंबाद। उम्मे खबीस, कत्ल करना और जान से मार देना जालिमों और शैतानों का काम है, इसलिए मैं तुझे कत्ल करने से हिचकिचा रहा था। लेकिन मेरे साथी जमाल को बिला वजह कत्ल करके तूने अपनी मौत का सबब खुद पैदा कर दिया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा उम्मे खबीस। तू मुझे कत्ल करेगा आदमजाद? मैं कोई मूली गाजर नहीं हूँ कि तू अपनी तलवार से काट कर रख दे। मैं वो शैतानी फौलाद हूँ जिससे टकराकर तेरी तलवार टूट जाएगी और मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। उम्मे खबीस, तू मेरी तलवार से नहीं अपने ही हथियार से मारी जाएगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गौर से देख उम्मे खबीस, इस बोतल में आबशार कजा की आबशार कातिल बंद है और मुझे यकीन है कि यह कातिल पानी तुझे भी नहीं बख्शेगा। नहीं सिंबाद, नहीं, नहीं सिंबाद, नहीं। जिस आबशार कजा के कातिल पानी से तू बेगुनाह इंसानों का खून चूसती रही, आज वही कातिल पानी बेगुनाह मासूमों की मौत का इंतकाम लेगा। नहीं, नहीं सिंबाद, नहीं सिंबाद, नहीं सिंबाद, नहीं, 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 शुक्रिया सिंबाद, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ऐ मेरे मोहसिन सिंबाद, हजार बलाओं की एक बला उम्मे खबीस का खात्मा करने की मुबारकबाद और मुझे इस जालिम के पंजों से छुड़ाने का शुक्रिया। तुम कौन हो दोशीजा? मेरा नाम शहजादी तस्वीर है। मेरे आईने का जादू मुझे हर वो बात बता देता है, हर वो तस्वीर दिखा देता है जो मैं देखना और जानना चाहती हूँ। मैं तिलिस्मे नूर अफशा की शहजादी हूँ, मगर शैतान ने मुझे गुमराह किया और मैं लालच और गुरूर में अंधी होकर उम्मे खबीस जैसी मक्कार जादूगरनी के
शैतानी जाल में फंस गई। अब तुम्हारे हाथों में आकर नेक काम करने का मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा, पहले गुनाहों के इस गार से तो बाहर निकले। जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। तूने जमाल बिन यासिर की मौत इस जजीरे पर लिखी थी, सो उसे नसीब हुई। मैं समझता हूं कि उसने नेकी की राह में कुर्बानी दी है। तू उसकी रूह को जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कप्तान अल-नासिर, सूरज के तुलू होते ही जहाज का लंगर उठाया जाए, सारे बादबान खोल दिए जाएं। हम अल सुबह ही अपना अगला सफर शुरू करेंगे। जो हुक्म आका। इतनी देर कहाँ रह गए थे आसिफ? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना चुराने गया था, इसी में देर हो गई। खौफ के मारे मेरी तो भूख ही मर गई है। कहकशां, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आओ थोड़ा खा लो। लो थोड़ा सा खा लो। शुक्रिया आसिफ। अबे बताओ, तुम भाग किससे रही हो और डर किसका है? कज़्ज़ाक बिन रज़ाक का। बड़ी मुश्किल से उसके कैद से भाग सकी हूँ। क्या कह रही हो कहकशां? उस समुद्री लुटेरे, उस कज़्ज़ाक से तुम्हारा क्या सरोकार? आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जरूर जानती हूँ वो अब भी मुझे रात दिन तलाश कर रहा है। उस खौफनाक और हैबतनाक डाकू ने न जाने क्यों मुझे फिर से पकड़ने का हुक्म दे रखा है। नमक हरामो, कमीनो, उसका नाम कहकशां है, आसमान की कहकशां नहीं कि तुम्हारे हाथ भी ना आ सके। तीन दिन हो गए जहाज को यहां लंगर अंदाज हुए। सिंधबाद का जहाज निकल भी गया और तुम अभी तक उस लड़की को तलाश नहीं कर सके। जाओ, वो इसी बंदरगाह के इलाके में है। बाजारों को छान मारो, गली कूचों को खंगाल दो, लेकिन कहकशां को ढूंढ निकालो। जाओ। क्या हुआ? यही है वो लड़की जिसकी सरदार कज़्ज़ाक बिन रज़ाक को तलाश है। क्या ये वही लड़की है
सरदार कज़ाक बिन रज़ाक को इसी लड़की की तलाश है, तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ, यही है वो लड़की, मैंने इसे पहचान लिया है, जिसकी तस्वीर को सरदार कारून के नाम से पुकारते हैं, हालांकि इसका असली नाम कहकशां है। अच्छा, तो आओ इस कारून पे कब्जा करके सरदार के कदमों में डाल दें। हाँ, कारून। अचानक ये लड़की गायब किधर हो गई? अभी तो हमारी आंखों के सामने थी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हाथ आया हुआ शिकार निकल गया। ये जानकर सरदार हमारी खाल उधेड़ देगा। चलो चलो आगे हाँ, देखते हैं। हाँ, सरदार कज़ाक बिन रज़ाक अगर इसे कारून कहता है तो ठीक ही कहता है। 100 बोतलों का नशा है इसके नकाब में, इसके हिजाब में। गशा, तू शुगरी और फकरी की नजरों से तो बच गई, मगर शबाब से भरी नशे की ये बोतल तूतन फितना की नजरों से नहीं बच सकती। चल, तो जहां चलेगी ना तूतन फितना तेरे साथ चलेगा। है, चल, कहां तक जाती है तू? चल, मैं भी आता हूं। तो वो कारून कारून कहकर तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ। इसका मतलब है उस एक लफ्ज कारून में कोई लंबी कहानी, कोई गहरा राज पोशीदा है। राज? हाँ कहकशां, वरना समंदरी लुटेरे इतनी बेहयाई और बेबाकी से अरे बाजार में तुम्हारा पीछा क्यों करते? क्या सचमुच तुम किसी अहम कीमती राज से वाकिफ? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मगर तुम्हारी शख्सियत से कोई ऐसा राज जरूर वाबस्ता है, जिसे जानने के लिए समंदरी लुटेरे जान की बाजी लगा रहे हैं। तिलिस्मी आईने की शहजादी तस्वीर, जाहिर हो। मेरे मोहसिन आका सिंबाद को शहजादी तस्वीर का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुक्म कीजिए आका, आपकी क्या खिदमत अंजाम दूं? शहजादी तस्वीर, मैं जिस मकसद के लिए निकला हूं, उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे जिन खोपड़ियों को हासिल करना है, उनमें से सबसे पहले मैं सब्ज रंग की खोपड़ी हासिल करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि वो खोपड़ी किस सिमत है। मेरा जहाज रवानगी के लिए तैयार है, तू मुझे बता कि जहाज को किस सिमत में मोड़ूं। आका सिंबाद, मैं अभी देखकर बताती हूँ कि वो सब्ज रंग की खोपड़ी कहाँ है। आका सिंबाद, मेरा तिलिस्म बताता है कि वो सब्ज रंग की खोपड़ी मशरिक में है, इसलिए आप मशरिक में सफर कीजिए। कप्तान अल नासिर, जहाज को मशरिक के सिम्त मोड़ दिया जाए।
जो हुक्म आका। कहकशा तो रात के अंधेरे में भी छुप नहीं सकती, फिर कहां गई वो? परी बनकर आसमान में उड़ गई या जल परी बनकर समंदर में उतर गई? मैं पूछता हूं कहां गई वो? अब्दुल, तूने उस लड़की को ढूंढा? हाँ सरदार। चुकरी, तूने तलाश किया? हाँ सरदार। फखरी, तूने भी खोजा? हाँ सरदार। फिर वो मिली क्यों नहीं? क्यों क्यों क्यों? ना तो वो राई है ना तो वो सुई है जिसे तुम ढूंढ नहीं सकते। वो यही इसी शहर में मौजूद है। वो इस शहर में नहीं है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो नाखुदा? हाँ सरदार, कहकशा इस शहर में मौजूद नहीं है। ऐ, क्या बकवास कर रहा नाखुदा दज्जाल? ये बकवास मैं नहीं, ये मर्दूद शराबी कर रहा है। ओए तू तन पितने, तुझे कैसे पता चला कि कहकशा इस शहर में नहीं है? सरदार, जवानी से भरी शराब की उस बोतल को मैंने अपनी आंखों से सिंधबाद के जहाज में छुपते हुए देखा था। क्या कहा? सिंधबाद के जहाज में? हाँ सरदार। मगर वो जहाज तो 3 दिन पहले यहाँ से रवाना हो चुका है। हाँ सरदार, वो चला गया। और ये बात तू हमें आज बता रहा है पितने? वो सरदार, वो क्या है कि मैं नशे में लुढ़क गया था। तो मैं अभी तुझे हमेशा के लिए लुढ़का देता हूँ पितने। ना खुदा, खुदा के लिए मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले, बचा। चल हट मर्दूद, अब अपने किए की सजा भुगत। जान बचाना चाहता है पितने, फरियाद करना चाहता है। जा, जा निकाल ले अपना आखिरी अरमान, कर कर फरियाद। मैं भी देखता हूं कि कौन कौन मेरे हाथों से तेरी जान को बचाता है। अब्दुल्ला, शुक्री, तू तो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, तुझे तो मैंने कितनी बार पिलाई है, मुझे नहीं बचाएगा तू, तू नहीं बचाएगा मुझे। फखरी, तू भी अपने यार को मरने देगा? अपने सामने मेरी लाश को तड़पते हुए देखेगा? मुझे नहीं बचाएगा फखरी, तू नहीं बचाएगा मुझे। तूने गलती ही ऐसी की है, तुझे कोई ना खुदा तो क्या, खुदा भी नहीं बचा सकेगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। सुलेमान, हजदर, हजदर, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, कोई बचाना नहीं चाहता ना मुझे, ठीक है, मैं मरूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। अरे कज़्ज़ाक बिन रज़ाक, तू मुझे मार डालना चाहता है ना, मार डाल, मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं बचाएगा, मैं भी मरने को तैयार हूं। ठीक,
लेकिन जीने की तमन्ना लेकर मरने को तैयार हूं। मैं मरकर भी जीऊंगा, बस जाग, मैं मरकर भी जीऊंगा। ले, मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। इस लाश को समंदर में फेंक दो और जहाज को सौ गुनी रफ्तार से सिंधबाद के जहाज की तलाश में लगा दो। जाओ। दिलरुबा, ओ दिलरुबा, 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 सूरज डूब चुका है। रात हो चुकी है, तुम्हारे जागने का वक्त हो चुका है। उठो दिलरुबा। क्या हुआ आज सूरज जल्दी डूब गया? कहो दिलरुबा, हुक्म करो। जरा मेरी जूतियां तो ढूंढ दो। जूतियां? ये रही। शुक्रिया मेरे महबूब। ये क्या हुआ? समंदर में जलजला आ गया? ना 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 ना, जलजला नहीं आया, जहाज डोल रहा है। जहाज डोल रहा है? इसका मतलब लंगर उठा लिया गया है, जहाज चल पड़ा है। हाँ दिलरुबा, मैंने जहाज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। तुम्हें हुक्म देने की इजाजत मैंने तो नहीं दी थी। इजाजत कैसे लेता, तुम सो जो गई थी। सो गई थी, मर तो नहीं गई थी, जो तुम मुझे उठा नहीं सकते थे। हैरानी परेशानी। रोक दो इस तबाही को, रोक दो दिलरुबा, रोक दो। तुम इस तबाही को रोकना चाहते हो तो पहले जहाज को रोको। अगर जहाज को रोक दिया गया तो सिंधबाद का जहाज बहुत दूर चला जाएगा और कहकशा उसी के जहाज में जाकर छुप गई है दिलरुबा। फिर वही कहकशा, तुम उस चुड़ैल के पीछे क्यों पड़े हो? कहीं तुम उस चुड़ैल के इश्क में गिरफ्तार तो नहीं हो गए हो? इश्क? नहीं नहीं, ये बात नहीं है दिलरुबा। तो फिर क्या बात है?
ये एक राज की बात है, वो तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगा। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल रही, इसीलिए मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अब ये बताओ, तुम भाग किससे रही हो और डर किसका है? कज़ाक बिन रज़ाक का। बड़ी मुश्किल से उसकी कैद से भाग सकी हूँ। मैं मरकर भी जीऊंगा कज़ाक, मैं मरकर भी जीऊंगा। अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आसिफ, आसिफ, आका, क्या बात है आसिफ, आज फिर तुम अर्शे पर सो गए? बस यूं ही। यूं ही क्या? मैंने तुम्हें कई बार अर्शे पर सोते हुए देखा है, कहीं तुम्हें अकेले में डर तो नहीं लगता? जी जी नहीं। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आका, अगर तुम्हें अपना कमरा पसंद नहीं है तो तुम मेरे कमरे में सो सकते हो, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगा। नहीं आका, नहीं नहीं नहीं। फिर आका, मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा बुजुर्ग या आका नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं, और तुम्हारे इस दोस्त का नाम भी है सिंधबाद। मुझे अपना दोस्त कहने और समझने का शुक्रिया सिंधबाद। तो बात यह हो रही थी कि हम अपने कमरे बदल लें। नहीं सिंधबाद, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने कमरे में चला जाता हूं। क्या बात है आका, किस सोच में हैं आप? कप्तान अल-नासिर। जी आका। तुम्हारा साथी नाखुदा आसिफ आजकल कुछ परेशान और कुछ बदला बदला से नजर आता है, बता सकते हो क्यों? अब मैं क्या बताऊं आका, दिलों के भेद को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाल बाल बच गए। क्या हुआ आसिफ, क्या सिंबाद को मेरी मौजूदगी का पता चल गया? पता तो नहीं चला, मगर सिंबाद को कुछ शक हो गया है। किस बात का शक? यही कि मेरी परेशानियों का कोई सबब, कोई वजह जरूर है। तो इस उलझन और इस परेशानी को खत्म क्यों नहीं कर देते? सिंबाद को बता दो कि मैं जहाज पर मौजूद हूँ। इतना आसान नहीं है क्या दशा? तुम नहीं जानती, सिंधबाद को अपने जहाज पर औरतों का वजूद बर्दाश्त नहीं है। क्या सिंधबाद औरतों से नफरत करता है? नहीं, ये बात नहीं है। सिंधबाद का हर सफर मुश्किलों और खतरों से भरा होता है। सफर में औरतें साथ हों तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उनकी हिफाजत और जिम्मेदारी का एहसास मर्द के पैरों की जंजीर बन जाता है। सिंधबाद नहीं चाहता कि औरतों को बिला वजह मौत के मुंह में ढकेला जाए। तो इसका मतलब है सिंधबाद औरतों को इज्जत की नजरों से देखता है,
औरतों के लिए उसके दिल में नेक जज्बा और एहतराम है। बेशक अगर ये सच है तो मुझे यकीन है मेरी मौजूदगी का इल्म होने पर सिंधबाद मुझे जहाज से उठाकर समंदर में फेंकने का हुक्म हरगिज नहीं देगा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सिंधबाद को बता दो कि इस जहाज पर तुम्हारे कमरे में एक लड़की मौजूद है और मैं सिंधबाद को बता दूंगी कि औरत इतनी कमजोर नहीं कि मौत का मुकाबला न कर सके। रफ्तार तेज हो रही है, लगता है तूफान आने वाला है। ना खुदा दज्जाल को मलकुल मौत का आदाब। अब मैं इस जहाज पर नाच नाच कर सबको तिगनी का नाच नचाऊंगा। दज्जाल, दज्जाल, नाखुदा दज्जाल, लगता है ये पी पी कर लुढ़क गया है। दज्जाल, नाखुदा दज्जाल, भूत, 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 कौन भूत, किसका भूत, कैसा भूत, ये आज तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है दज्जाल? सच कह रहा हूँ, अभी मैंने जहाज पर एक भूत को देखा था। लगता है नशा भूत बनकर तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। नाखुदा, होश की दवा करो, तुम डर गए हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ अब्दुल, मेरी बात का यकीन करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि बिना वजह डर जाऊंगा। बच्चों जैसी बातें मत करो नाखुदा दज्जाल, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आज से कान पकड़कर हमेशा के लिए नशेबाजी से तौबा कर लो। अब्दुल, ओ अब्दुल, किससे तौबा करने की बात कर रहा है तू? ना खुदा दज्जाल, भूत, आजा, क्या अब्दुल? मुझे तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा अब्दुल। नहीं ना खुदा, भूत, 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 आओ, आओ, भूत, 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 आओ, आओ, अब्दुल, देखो आज जाल में बड़ी मछली फंसी है। कम
गया। आज सुबह ही सुबह जाल फेंकते ही बड़ा शिकार हाथ लग गया। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने का। चलो। ये तो कोई लाश है। क्या बात है, भीड़ क्यों लगा रखी है? आका सिंदबाद, जाल में मछली की जगह ये लाशा फंसी है। इन्न लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा इसे पलट कर तो देखो, किस बदनसीब की लाश है। ये तो तूतन फितना है। तूतन फितना? हाँ, रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के लुटेरों में भी शामिल था। रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक हमारा दुश्मन है, इसलिए तूतन फितना भी हमारा दुश्मन हुआ। लिहाजा इस लाश को उठाकर समुंदर में ही फेंक देते हैं। लाशें किसी की दुश्मन नहीं हुआ करती। अगर यहाँ आसपास कोई जजीरा है तो इसे समुंदर में फेंकने के बदले वहां चलकर दफन कर देंगे, वरना समुंदर के खुखार मछलियां इस बदनसीब लाश की बेहुरमती कर देंगी। शहजादी तस्वीर, हमें बताओ कि यहां आसपास कोई जजीरा है? आका सिंबाद, मशरिक के सिमत में जहाज को बढ़ाइए, बहुत ही जल्द आपको जजीरा नजर आएगा। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। जहाज को मशरिक की जानिब मोड़ दिया जाए। हम तूतन की लाश की आखिरी रसूमात पूरे एहतराम के साथ करेंगे। रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक और दिलरुबा के जहाज पर भूत? ना माकूल इंसान, हमसे शैतान, बड़े से बड़े शैतान भी डर जाते हैं, पनाह मांगते हैं, और तू कहता है कि हमारे जहाज पर, रज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक के जहाज पर भूत भटक रहा है? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सरदार। आप खुदा दज्जाल से भी पूछ लीजिए। आका, अब्दुल ठीक कह रहा है, हम दोनों ने उस भूत को देखा था। भूत आएगा कहां से, और किस भूत में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे जहाज पर निकल आए? सरदार, यही तो मैं सोच रहा था कि कोई और भूत यहाँ कैसे आ सकता है। हो ना हो, ये तूतन फितने का ही भूत होगा। तूतन फितने का भूत? नामुमकिन। तुमने रात को जरूर शराब पी रखी होगी। पी थी? हाँ सरदार, थोड़ी सी मैंने पी थी। तो जरूर नशे में तुम लोगों को तूतन फितने का भूत ख्वाब में दिखाई दिया होगा। हम ख्वाब नहीं देख रहे थे सरदार, हम दोनों जाग रहे थे। वो यकीनन तूतन फितना ही था। खामोश! अगर तुमने फिर तूतन फितने का नाम भी लिया तो मैं तुझे भी तूतन फितने के पास पहुंचा दूंगा, समझे? हाँ, समझ गया सरदार। तूतन फितने? मरहूम तूतन की मैयत को दफन करने का इंतजाम करो। जी आका। सिंदबाद, तुम वाकई खुदा के नेक बंदे हो। मेरी लावारिस लाश को समंदर से निकालकर उसे कफना कर दफन कर रहे हो।
तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाए बगैर मेरी रूह इस दुनिया से जाएगी नहीं। सिंधबाद, मेरे मोहसिन, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू तन के गुनाहों को मुआफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। समंदर में तैरती ये बोतल और बोतल में ये खत ताज्जुब की बात है। पता नहीं ये बोतल कब से और कितना लंबा सफर तय करके किनारे लगी है। हो सकता है इस खत में कोई अहम पैगाम हो। इस बोतल को खोलकर इस खत को पढ़ना होगा, लेकिन पहले मैं नमाज पढ़ूं, उसके बाद जहाज में जाकर सफर के दौरान इसे खोल कर पढ़ूंगा। गजब कर रही हो दिलरुबा? यकीनन ये अब्दुल ही होगा, जरूर किसी अहम काम से आया होगा। खाओ दिलरुबा। कौन है? सरदार, मैं अब्दुल अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। सरदार, बड़ी ही जबरदस्त खबर लाया हूं। तो जल्दी सुनाओ। सिंधबाद का जहाज देखकर आ रहा हूँ। सिंधबाद का जहाज मिल गया? तब तो वो हसीन कहकशा भी मिल जाएगी। कारून 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 कारून। अब्दुल, तुम अर्शे पर चलो, मैं अभी आकर सिंधबाद के जहाज को देखता हूं। जाओ। जो हुक्म सरदार। जहाज मिल गया, सिंधबाद का जहाज मिल गया, और वो हसीना कहकशां भी मिल जाएगी। क्यों? वो उसी की तो तलाश है, वरना सिंधबाद के पास क्या रखा है? और उस चुड़ैल के पास क्या रखा है? क्या रखा है उस चुड़ैल के पास? क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? नहीं नहीं, मैं उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि खजाने के उस नक्शे के पीछे पड़ा हूँ। खजाना? कौन सा खजाना? यूं समझो कि कारून के खजाने की कुंजी है वो लड़की, इसीलिए तो मैं उसे कारून कारून कहकर पुकारता हूँ। कारून का खजाना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिलरुबा, तुम्हें कारून और उसके खजाने के बारे में नहीं पता? मुझे क्या मालूम,
कौन है ये कारून? तुमने बताया क्या? और कहाँ रहता है ये कारून? कारून आज के जमाने का नहीं है, किसी जमाने में वो अमीर आदमी हुआ करता था। उसके पास खजाने के इतने संदूक थे कि उन संदूकों के तालों की चाबियों को 70-70 ऊंट खींचा करते थे। ओ लाला, हैरानी ही हैरानी, इतना बड़ा खजाना। हाँ, ये खजाना जो कहकशा के जरिए हासिल होने वाला है वो भी बहुत बड़ा है, कारून की तरह ही बड़ा। ओ लाला, इसीलिए तुम कहकशा को कारून कारून कहा करते हो। जरा जरा तसव्वुर कर लो दिलरुबा, लाखों हीरे जवाहरात मोतियों के ढेर, सोने चांदियों का अंबार, कि जिनको अगर अंधेरे में खुले मैदान में रख दो तो उन हीरे जवाहरात से फूटने वाली रोशनी से यूं लगेगा कि एक साथ हजारों सूरज निकल आए। अंधेरी काली रात का अंधेरा किसी गार में जाकर अपना मुंह छुपा लेगा। उलाला, बस करो मेरे महबूब, बस करो, तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मैं पागल ना हो जाऊं। बेईमान, धोखेबाज, फरेबी, गद्दार। क्या हुआ दिलरुबा? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या कहा? मुझसे मोहब्बत करते हो और राजदारी भी बरतते हो, ढोंगी, मोहब्बत का ढोंग रचाते हो और खजाने का राज छुपाते हो। सिंधबाद का जहाज देखकर आ रहा हूँ। सिंधबाद का जहाज मिल गया? तब तो वो हसीन कहकशा भी मिल जाएगी। कारून, कारून। बेईमान, धोखेबाज, फरेबी, गद्दार। क्या हुआ दिलरुबा? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या कहा? मुझसे मोहब्बत करते हो और राजदारी भी बरतते हो, ढोंगी, मोहब्बत का ढोंग रचाते हो और खजाने का राज छुपाते हो। वो तो मैंने इसलिए छुपाया था कि जैसे मैं खजाना हासिल कर लूंगा तो अचानक तुम्हारे कदमों में खजाने का ढेर लगाकर तुम्हें हैरत में डाल दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश कहकशा, 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 अभी तक सो रही हो? कहकशा,
उठो। कशा, ये क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई? या खुदा, ये क्या गजब हो गया? अचानक कहाँ गायब हो गई? अपना सिंधवाद बड़ा दिलदार आदमी है। अरे बड़ा दिलदार आदमी है। अरे आसिफ, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? तुम तो ऐसे चले जा रहे हो जैसे समंदर की बड़ी मछली अपने रास्ते में आने वाले जहाज को भी उलट पलट कर रख देती है। माफ करना, मैं जरा जल्दी में था। क्या कुछ खो गया है या किसी को ढूंढ रहे हो? मैं वो कह मेरा मतलब है, मैं सरदार सिंधबाद को ढूंढ रहा था। अच्छा, तो आप सरदार सिंधबाद को ढूंढ रहे थे? ढूंढते उसे हैं जो खो गया हो। सिंधबाद से मिलना है तो वो देखो सामने। जाओ। आओ आसिफ। क्या बात है? शायद तुम्हें मुझसे कोई काम है। नहीं तो सिंधबाद। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें सरदार सिंधबाद से मिलना है। जब मिलना नहीं था तो हमसे खामखा झूठ क्यों बोला? आसिफ आजकल झूठ ही नहीं बोलने लगा, चोरी भी करने लगा है। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं चुराया है। अच्छा, झूठ भी बोलते हो और चोरी भी करते हो, और चोरी को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलते हो। मैंने कई दफा तुम्हें खाना चुराते हुए देखा है। वो तो मुझे ज्यादा भूख लगती है ना, इसलिए। फिर झूठ? देखो, झूठ बोलना बुरी बात है। आदमी जब एक झूठ बोलता है ना, तो उसे निभाने के लिए उसे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। आपको कैसे समझाऊं कि? बोलते बोलते रुक क्यों गए? झूठ तो तुम बड़े झट से बोल लेते हो, और सच बोलते हुए जबान लड़खा रही है। सिंधबाद, तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकते। हम सब समझते हैं, तुम नहीं समझते। तुम? मुझे माफ कर दो सिंधबाद, मैं इसे जहाज पर लेके नहीं आया। मैं जानता हूं, कहकशा ने मुझे सब बता दिया है। इस लड़की ने तो मुझे परेशानी में डाल दिया सिंधबाद। देखिए देखिए ना, इनकी परेशानी मैंने कम की है और ये मुझे को इल्जाम दे रहे हैं। भाई तुम दोनों हमें कांटों में क्यों घसीट रहे हो? ये तुम दोनों का निजी मामला है, आखिर तुम दोनों मियां बीवी बनने वाले हो, खुद ही निपटा लो अपना झगड़ा। चलो भाई चलो चलो। शादी से पहले ही झगड़े की मशक कर लो, शादी के बाद आसानी रहेगी। अरे क्या हुआ सरदार, आप तो धक्का खा गए। कारून, कारून, कारून के खजाने की चाबी मिल गई। अरे वाह, लाओ दूरबीन, जरा मैं भी तो देखूं कारून के खजाने की चाबी को। इस दूरबीन से तुम्हें सिंधबाद के जहाज की निगरानी हर वक्त करनी है, मगर पहले
मल्लाहों से कह दो कि जहाज की रफ्तार को सिंधबाद के जहाज की रफ्तार के बराबर रखें। हम उसे बीच समंदर में छेड़ना नहीं चाहते। जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचेगा, हम कहकशा को अगवा कर लेंगे। सरदार, पहले मैं मल्लाहों को समझा कर आता हूँ, फिर इस दूरबीन से जहाज और कहकशा की निगरानी करूंगा। ये तो कहकशां की तस्वीर लगती है। या इलाही खैर, खुदा की पनाह। आसिम, अल-नासिर, जल्दी देखो, मालूम करो कि जहाज चलते चलते अचानक रुक क्यों गया। शायद हम समंदर के उस मशरिकी हिस्से में आ गए हैं जहां बर्फ की चट्टानें तैरती रहती हैं। तो क्या हमारा जहाज किसी बर्फीली चट्टान से टकरा गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। खुदा करे कि हमारा अंदाजा गलत हो। खुदा की पनाह, ये बर्फ की चट्टान है या बर्फानी शैतान? आसिफ, अल-नासिर, जहाज को पीछे की तरफ मोड़ लो, जल्दी करो। चलो अल-नासिर, चलो चलो। शहजादी तस्वीर जाहिर हो, जल्द हाजिर हो शहजादी तस्वीर। हुक्म आका सिंबाद। शहजादी तस्वीर, बर्फ के इस जिंदा पहाड़ को देख, इस बर्फानी शैतान को देख शहजादी तस्वीर। इस बर्फानी शैतान से छुटकारा चाहते हो सिंबाद? यकीनन शहजादी तस्वीर, इसीलिए तो तुझे तलब किया है। जल्द से जल्द इस बर्फानी शैतान से छुटकारा पाने की तरकीब बता। इस जिंदा सफेद पहाड़ को फना करने की कोई तकदीर बता। मैं इस समंदरी बला का मुकाबला नहीं कर सकती सिंबाद, इस बर्फानी शैतान को भी फना नहीं कर सकती। मगर इस समंदरी बला से बचने का कोई तो रास्ता होगा शहजादी तस्वीर। सिर्फ एक ही रास्ता है सिंबाद। और वो कौन सा रास्ता है, जल्द बता शहजादी तस्वीर। वो रास्ता है कि रात गुजर जाए और सुबह का सूरज निकल आए। सुबह का सूरज? हाँ सिंबाद, सुबह के सूरज की पहली किरण इस बर्फानी शैतान की मौत का पैगाम होगी। सूरज निकलते ही बर्फानी शैतान पिघलकर समंदर के पानी में समा जाएगा, इस तरह गायब हो जाएगा जैसे पहले था ही नहीं। पता नहीं सुबह होने में कितनी देर है, कहीं सूरज निकलने से पहले हम सबकी जिंदगी का सूरज ना डूब जाए। खुदा पर भरोसा रखो कहकशा, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज सिंबाद। या अल्लाह,
अपने बंधु को अपनी रहमत के साए में रख, अपने कर्म के पनाह में रख, हमें हर बला से बचा, नई जिंदगी का सूरज दिखा मेरे मालिक, मेरे खालिक। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने जहां मुश्किलें पैदा की हैं वहीं आसानियां भी पैदा की हैं। आज का ये सूरज हमारे लिए ईद के चांद की तरह है, जो हमारे लिए खुशियां लेकर आया है। अब संगीन रात के बाद हम चैन की सांस लेंगे। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। हाँ, अल्लाह ताला का एहसान है, उसने हमें बर्फीले शैतान से बचा लिया। कमबख्त बर्फानी शैतान ने सारी रात कयामत मचा रखी थी। पता नहीं हमारे जहाज को रास्ते से कितना दूर ढकेल दिया है उसने। अब फिर से जहाज को मंजिल की तरफ मोड़ना होगा। खुदा का शुक्र है, उस बर्फानी शैतान से पीछा छूटा। बदहवास हो रहा है दज्जाल। सरदार, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, समंदर खाली है। क्या, समंदर खाली है? हाँ सरदार, सिंदबाद के जहाज का कहीं नामो निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है, कैसे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सिंदबाद का जहाज। देखा तो मैंने भी था, मगर सिंदबाद का जहाज अचानक गायब हो चुका है। हटो, मैं देखता हूँ। हवा हो गया या धुआं हो गया, सिंदबाद का जहाज कहां खो गया? कहां, कहां, कहां सिंदबाद? ऐ शहजादी तस्वीर, ऐ मेरी मददगार, मैं तेरी मदद का तलबगार हूँ, जाहिर हूँ। आदाब मेरे मोहसिन, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शहजादी तस्वीर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी मंजिल के पहले पड़ाव से कितनी दूर हूँ। खुद ही देख लीजिए, मैं आपको आपकी मंजिल के पहले पड़ाव का मंजर इसी आईने में दिखा देती हूँ। शुक्रिया शहजादी तस्वीर, तुम जो दिखाना और समझाना चाहती हो वो मैंने देख लिया और समझ भी लिया। गालिबन यही जजीरा जजीरा जुल्मात है। हाँ मेरे मोहसिन, आपकी मंजिल का पहला पड़ाव यही जजीरा जुल्मात है। यानी हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है? नहीं मेरे मोहसिन, मंजिल सामने होते हुए भी अभी बहुत दूर है। जजीरे जुल्मात पर कदम कदम पर बलाएं आदम जादों के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी हैं। एक बला से निपटोगे तो दूसरी सामने आएगी। इंशाल्लाह हम इन बलाओं पर फतह हासिल करेंगे। तू सिर्फ इतना बता कि वो सब जरंग की तिलिस्मी खोपड़ी कहाँ है? वो तिलिस्मी खोपड़ी जजीरे जुल्मात के बादशाह असगर ज़ोंबा के कब्जे में है। असगर ज़ोंबा? हाँ, असगर ज़ोंबा, जो इंसान के रूप में भी हैवान है। उसकी हैवानियत के नमूने देखकर इंसानों के कलेजे कांप जाते हैं। तुम सब भी देख लो। Yeah.
शैतानी कुवतों के मालिक, ये तिलस्मी खोपड़ी मैंने तेरे कदमों में रख दी है, तू इसकी हिफाजत कर। शहंशाह असगर ज़ुम्बा, उस्ताख असगर ज़ुम्बा का शिकार है। असगर ज़ुम्बा को देखते ही इंसानों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ना वो हिल सकता है ना वो चल सकता है, मगर तू तो हमसे दूर भाग रहा है। मुझे माफ कर दो असगर ज़ुम्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। जाना चाहता है मुझसे दूर, जाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। नहीं नहीं नहीं, ज़ुम्बा तो इंसानियत का ही दुश्मन है, इसे खत्म करना बहुत बड़ी नेकी होगी। ख्याल रहे आका सिंदबाद, शहंशाह ज़ुम्बा का महल बहुत दूर है और वहाँ पहुँचने से पहले आपको कई मुसीबतों का सामना करना है। इस जज़ीरा ज़ुल्मात में आपको सबसे ज्यादा खुदा पर भरोसा करना है। वो मैं हमेशा ही करता आया हूँ, इस नेक काम में भी खुदा हमारी मदद। ये बर्फ की चट्टान है, ये बर्फानी शैतान। सुबह के सूरज की पहली किरण इस बर्फानी शैतान की मौत का पैगाम होगी। मुझे बताओ, जज़ीरा ज़ुल्मात में आपको सबसे ज्यादा खुदा पर भरोसा करना है। वो मैं हमेशा ही करता आया हूँ, इस नेक काम में भी खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज। अल-नासिर, हुक्म आका। आसिफ, हुक्म सरदार। हम इसी जज़ीरे पर उतरेंगे, तो ठीक है, मैं किनारे तक पहुंचने के लिए छोटी कश्तियां निकलवाता हूं। नहीं नहीं, तो फिर हम अपने जहाज को ही किनारे तक ले जाएंगे। मगर इस तरह तो जहाज रेत में धंस सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, ऐसा नहीं होगा। शायद आप जहाज को किसी दुश्मन की नजर से बचाना चाहते हैं। तुम ठीक समझे आसिफ, एहतियात का तकाजा यही है कि हम अपने जहाज को किसी महफूज मकाम पर छोड़ें। ठीक है, हम जहाज को साहिल की रेत तक ले जाएंगे। चलो।
ये लो। शुक्रिया आसिफ। जहाज पर फल कब के खत्म हो गए थे? बड़े दिनों के बाद ताजा फल मिला है। आसिफ, कहकशां, अरे भाई कहां रह गए? क्यों पीछे रह गए? तासा चलो, अनजानी जगह है, खुदा ना ख्वास्ता किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। आ रहे हैं, जरा फल तोड़ रहे थे। मुसीबत तो पहले ही साथ है। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ? भी तो नहीं ना, कहकशा नाले में गिरती ना उसके कपड़े गीले होते और ना ही हमें उसके कपड़े सूखने का यहां इंतजार करना पड़ता। अब तो शायद रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ शेर, चीते और भेड़िए जैसे जंगली जानवर होंगे, और वो रेंगने वाले सांप। ना बाबा ना। तुम तो बड़ी डरपोक साबित हुई। मुझे बुजदिल समझते हो, डरपोक समझते हो? बहादुर होती तो अपने कपड़े पेड़ से खुद ही समेट कर नहीं लाती। पेड़ मुझे खा नहीं जाएंगे। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? क्या हुआ? लानत है इस जंगल पर। तुम तो बड़ी बहादुर बनती थी। बहादुर तो मैं हूँ, लुटेरों से लड़ सकती हूँ, कजाकों से भिड़ सकती हूँ, मगर सांप बिच्छू से मेरी रूह फना हो जाती है। अभी तो कुछ नहीं, जज़ीरा ज़ुल्मात का सफर तो शुरू होने दो, फिर पता चलेगा। दज्जाल थोड़ा देना। अब्दुल, बड़ी भूख लगी है, एक टुकड़ा। अच्छा, दोनों मजे उड़ा रहे हो, मैं भी तुम लोगों के होश उड़ाता हूं। देखो मैं क्या करता हूं अभी। अबे मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। मैंने मारा, मैंने। अच्छा, घटाघट ये जा रहे हो? क्यों मारा मुझे? क्यों? इसने नहीं, मैंने मारा, मैंने। और मारूंगा पिएगे तो। मैं चुप।
तो तुम मुर्गे की टांग पे टांग उड़ा जा रहे हो? अरे अरे तुम नहीं तो मुर्गा मेरी थाली में रखा था दज्जाल। क्यों झूठ बोल रहा है? मुर्गा तो मैंने अपनी थाली में रखा था। ना नशे में तुमसे भूल हो गई होगी दज्जाल, तुमसे। नशे में तो तुम भी हो, इसलिए भूल तुमसे हुई है। ना भूल तुमसे हुई है दज्जाल, तुमसे। मैंने कहा ना, नशे में मैं नहीं तू है। ना तू है दज्जाल, नशे में तू है। हम झगड़ क्यों रहे हैं? क्यों क्यों झगड़ रहे दज्जाल, क्यों? मिलकर हम लोग गाना गाते हैं। ये लो, ये फल खा लो। अरे इसे तो मैं भूल ही गया था। दहशतंगेज कहो जिन्हें कयामत खेज, ये दोनों जवान भी हैं और खूबसूरत भी, और खूबसूरत शिकार को खाने का मजा कुछ और ही होता है। हमारा बादशाह जुम्बा इन खूबसूरत आदमजादों को खाकर बहुत खुश होगा। दहशत अंगेज, मैं इस नौजवान को उठाता हूँ और मैं इस हसीना को उठाता हूँ। सिंपल, आका ये तो गजब हो गया। आसिफ और कहकशा को तो जिन उठाकर ले गए, अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, कैसे बचा पाएंगे? फिक्र मत करो कासिम, उन्हें बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तुम चलो मेरे साथ। ना खुदा दज्जाल, ये यकीनन जज़ीराए ज़ुल्मात है और सिंदबाद यहीं उतरा होगा। मगर वो जजीरा जुल्मात में जाकर अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? इस जजीरे से तो आदमजात दूर रहने में ही अपनी खैरियत समझते हैं। खतरों से खेलना सिंदबाद की फितरत में शामिल है। जजीरा जुल्मात पर वह क्यों गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिंदबाद इसी जजीरे पर उतरा है। मगर सिंदबाद का जहाज जजीरे के आसपास लंगर अंदाज नहीं है। सिंदबाद बहुत होशियार इंसान है दज्जाल,
एहतियात से काम लेता है। उसने जहाज को जजीरे के किसी महफूज साहिल पर पेड़ों की ओट में छुपा रख दिया होगा। अब हमें भी उस कहकशा को हासिल करने के लिए इसी जजीरे में उतरना होगा। पड़ गई मुसीबत गले। क्या मतलब? सरदार, इस जजीरे पर जाना मौत को दावत देना है। तूतन फितने के भूत ने ठीक ही कहा था कि वो हम सबको मौत के हवाले कर देगा। ए! फिर वही तूतन फितने का भूत सीधे सीधे जहाज को जजीराए जुल्मात के साहिल पर ले चलो, वरना तुम्हारी जान जरूर भूत बनकर भटकती नजर आएगी। समझ गए दज्जाल? जिन्हें दहशत अंगेज कहो भाई, जिन्हें कयामत खेज, क्या इन दोनों आदमजादों को यहीं से जिंदाने अजल में फेंक दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना। जिन्हें कयामत खेज, अगर इतनी ऊंचाई से इन आदमजादों को जिंदाने अजल की जमीन पर फेंक दिया तो इन नाजुक नाजुक खिलौनों की हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ, ये बात तो है दहशत अंगेज। ये आदमजाद बड़े नाजुक होते हैं, ये वाकई टूट फूट जाएंगे। और हमारा बादशाह असगर जुम्बा टूटे फूटे खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करता है। चलो इन्हें जिंदाने अजल की जमीन पर फेंक देते हैं। हाँ चलो। जिंदाने अजल की पासबान जकाला 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 हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। जिंदाने अजल की पासबान जकाला को किसने आवाज दी? किसने सदा दी जकाला को? जकाला, चैतान की खाला, आफत की परकाला, तू हमें नहीं जानती? क्या दहशत अंगेज और कयामत खेज की आवाजें भी नहीं पहचानती? ओ, तो तुम हो जिन्हें कयामत खेज और जिन्हें दहशत अंगेज असगर जुम्बा के खिदमतगारों। अब बताओ, इन अजनबी आदमजादों को यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? जकाला, इन अजनबी आदमजादों ने जजीराए जुल्मात के सियाह दरख्त से तिलस्मी फल तोड़े हैं। हाँ, जिंदाने अजल की पासबान, इन आदमजादों ने तिलस्मी फल तोड़कर जजीराए जुल्मात का कानून तोड़ा है। बादशाह, असगर जुम्बा के खिदमतगारों के आराम में खलल डाला है। इन नादमजादों को इस जुर्म की सजा असगर जुम्बा ही देगा। सजा? आसिफ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये शैतान तो शक्ल से ही बड़े डरावने लगते हैं। तुम घबराओ नहीं कहकशा, खुदा ने चाहा तो ये शैतान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मगर जिन्हें दहशत अंगेज और जिन्हें कयामत खेज, आज की गिजा तो असगर जुम्बा को मिल चुकी है। इसीलिए तो हम इन आदमजादों को तेरे जिंदाने अजल में लाए हैं। हाँ जकाला, इन आदमजादों की तू कल तक निगेबानी कर, निगरानी रख। इन्हें जिंदाने अजल की सलाखों के पीछे कैद रख। कल हम इन्हें असगर जुम्बा की खिदमत में पेश करेंगे। अजनबी आदमजादों, जाओ अंदर, चलो जाओ अंदर। अजनबी आदमजादों और जजीराए जुल्मात के मुजरिमों, अब मौत के इंतजार में इन सलाखों के पीछे बैठे रहो और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते रहो। हाँ
शहजादी तस्वीर, आसिफ और कहकशां इन शैतानों के पंजे में बुरी तरह फंस गए हैं। अगर कल सुबह होने से पहले पहले इन दोनों को आजाद नहीं कराया गया तो ये दोनों मासूम और बेकसूर असगर ज़ोंबा के मुंह का निवाला बनेंगे। वक्त बहुत कम है आका, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। शहजादी तस्वीर, जरा ये तो बताओ कि जिंदाने अजल इस जजीरे में आखिर है कहां? जिंदाने अजल यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मगर वहां पहुंचने से पहले अकाश जादूगर की इजाजत लेना जरूरी होता है। मगर अकाश जादूगर से इजाजत लेना जरूरी क्यों है? जिंदाने अजल जजीरे जुल्मात की राजधानी है और अकाश जादूगर ने उस राजधानी की हिफाजत के लिए उसके चारों तरफ एक तिलिस्मी सरहद खींच रखी है जिसे उसकी इजाजत के बगैर कोई पार नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बता दो कि आकाश जादूगर कहाँ मिलेगा? परछाइयों के शहर में। परछाइयों के शहर में? हाँ, परछाइयों के शहर में पहुँचते ही अजनबी इंसानों की परछाइयाँ गायब हो जाती हैं। आप यहाँ से दाएं मुड़कर सीधे चले जाइए और आपकी परछाई जब गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि आप परछाइयों के शहर में पहुँच गए हैं। आका, परछाइयों के शहर में भले ही आपकी परछाई आपका साथ छोड़ दे, मगर हम सदा आपकी परछाइयों की तरह आपके साथ रहेंगे। यही कासिम इस खतरनाक मुहिम का तकाजा है कि मैं तुम सबको अपने साथ न रखूं। तुम सब जहाज पर लौट जाओ। मगर आप अकेले? मैं अकेला कहां हूं? तिलिस्मी आईने की शहजादी तस्वीर मेरे साथ है, और फिर सबसे बड़ा तो मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम सब मेरी फिक्र न करो और जहाज पर लौट जाओ, ये मेरा हुक्म है। अच्छा, खुदा हाफिज। शहजादी तस्वीर, अब परछाइयों के शहर में पहुंचने के लिए मुझे वक्त से भी तेज दौड़ना होगा।